क्या मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है? अगर नहीं तो ये कैसा खेल खेला जा रहा है? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है प्रेमनिशन, जो 2007 में रिलीज हुई और इसे डायरेक्ट किया मेनन यापो ने। इस कहानी में मुलाकात होती है एक ऐसी औरत से जिसे खबर मिलती है अपने मरे हुए पति के बारे में, पर अगले दिन उसे एहसास होता है कि उसका पति जिंदा है। अजीब लगा ना? चलिए जान लेते हैं आखिर क्या है यह मिस्ट्री। यह कहानी है एक कपल जिम और लिंडा की। जिम सरप्राइज के तौर पर अपनी पत्नी लिंडा को नए घर में ले जाता है। यह देखकर लिंडा काफी खुश हुई। दूसरे ही दिन जब लिंडा की आंख खुली तब जिम वहां पर नहीं था। उसकी छोटी बच्ची आकर उसे उठाने लगी और कहने लगी कि उसके पापा कब आएंगे। फिर लिंडा की बड़ी बेटी वहां पर आकर अपनी बहन को जल्दी तैयार होने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें स्कूल के लिए निकलना था। लिंडा उन दोनों को स्कूल छोड़कर वापस आती है, अपना एक्सरसाइज करके घर के काम में लग जाती है। उसी वक्त उसे अपनी फ्रेंड एनी का कॉल आता है। इन दोनों की काफी वक्त से बात नहीं हुई थी। एनी लिंडा को उसके वीकेंड प्लान के बारे में पूछती है और अचानक से लिंडा को जिम का वॉइसमेल मिलता है। वो सुनने वाली होती है कि उसके बीच दूसरा कॉल आ जाता है। लिंडा फिर से कॉल ट्राई करती है पर उसकी जिम से बात नहीं हो पाती। उसी वक्त वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आकर लिंडा को बताता है कि उसके पति का कार एक्सीडेंट हुआ है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर लिंडा काफी शॉक होती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसका वॉइसमेल मिला था। तब वो ऑफिसर कहता है कि नहीं, जिस ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ वो ट्रक ड्राइवर भी मर चुका है। यह मेरा कार्ड लीजिए और अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताइए। एक लिंडा को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, रोते रोते अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जाती है और घर आकर उन्हें बताती है कि उनके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अपने बच्चों को गले लगाकर रोती है। लिंडा की माँ भी उसके साथ रहती है। वो बच्चों के साथ खेलकर उन्हें हादसे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसके बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि अब हमें फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स करनी चाहिए, तुम संभल जाओ, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिंडा को यह सब कुछ मंजूर नहीं था। वो अपना वेडिंग एल्बम निकालकर उसकी और जिम की फोटोज देखती है और सो जाती है। दूसरे दिन सुबह लिंडा उठकर अपने घर में देखती है, तब वहाँ पर जिम का ब्रीफकेस होता है और किचन में जिम कॉफी पीते हुए खड़ा है। लिंडा शॉक्ड है। फिर जिम अपनी मीटिंग के लिए निकलता है और बच्चों को छोड़ने के लिए लिंडा चली जाती है। वो घर में आकर देखती है तब उसे जिम का कोई वॉइसमेल नहीं मिलता। वो कार लेकर बाहर निकलती है और उसके साथ होने वाले शॉकिंग चीजों की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होती है और एक गाड़ी से टकराती है। तभी वहां पर वही पुलिस ऑफिसर आता है जो उनके घर जिम के बारे में बताने आया था। वो उसे खबरदारी लेने के लिए कहता है और फिर लिंडा चली जाती है। लिंडा घर आकर कपड़े सुखाने का काम कर रही थी, तभी वो अचानक से गिरती है और उसके हाथों पर मरे हुए पंछी का खून लगता है। वो हाथ साफ करने के बाद उसे डस्टबिन में डाल देती है। रात को सब एक साथ बैठकर डिनर करते हैं जो कि लिंडा को काफी अच्छा लगता है। अगली सुबह जब वो उठती है तब देखती है कि वहां पर जिम नहीं है। उसने कपड़े भी अलग पहने थे, टेबल पर वाइन के ग्लासेस थे और सारे आईने ढके हुए थे। वो बाथरूम में जाकर देखती है तो वहां पर लिथियम दवाई की बोतल है जिस पर उसका नाम है। फिर लिंडा नीचे जाकर देखती है तो वहां पर काफी लोगों की भीड़ होती है जिम के फ्यूनरल के लिए। उसकी दोस्त एनी और माँ आकर उसे कहते हैं कि तुम कपड़े बदल लो। लिंडा बच्चों के बारे में पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि बच्चे बाहर है, तुम उनकी चिंता मत करो। लिंडा पीछे की तरफ जाती है और देखती है कि उसकी बच्चियाँ झूले पर खेल रही है। उसकी छोटी बेटी मेगन दौड़कर उसे मिलने आती है पर बड़ी ब्रिजिट नहीं आती। लिंडा उसका चेहरा देख शॉक होती है क्योंकि उसके चेहरे पर काफी कट्स थे, पर मेगन उससे कहती है कि वो कट्स नहीं है और वो काफी खूबसूरत दिख रही है। सब लोग फ्यूनरल के लिए चर्च तक पहुंच जाते हैं। तभी लिंडा देखती है कि कॉफिन से जिम को ठीक तरह से निकाला नहीं जा रहा और तभी जिम का सर गिर जाता है। उन लोगों की हरकत पर लिंडा को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। उसे शांत करके सब लोग फ्यूनरल में बिजी होते हैं। तभी वो देखती है कि सामने एक औरत काफी देर से देख रही है। वो अपनी माँ से पूछती है कि यह कौन है, तो उसकी माँ को भी पता नहीं होता। लिंडा वहाँ जाकर उस औरत को रोकने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि मेरी तुमसे कल बात हुई थी, पर लिंडा को कुछ समझ नहीं आता और वो औरत चली जाती है। लिंडा घर आकर लिथियम की बोतल देखती है जिस पर डॉक्टर का नाम लिखा था। टेलीफोन डायरेक्टरी देखती है तो एग्जैक्टली उसी कॉन्टैक्ट का पेज किसी ने फाड़ दिया था और डस्टबिन में डाल दिया था। लिंडा को पेपर मिलता है और वो कॉल करती है पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर पता चलता है कि वॉइसमेल सर्विसेज भी बंद थी और ऑफिस भी मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल था।
उस रात लिंडा अपने बच्चों को लेकर बैठी थी। उसी वक्त एनी बच्चों को सुलाने के लिए ले जाती है। उस दौरान घर में आते हैं कुछ लोग जिसमें एक आदमी होता है, डॉक्टर रॉथ और उसके साथ पुलिस भी। लिंडा की माँ ब्रिजिट के बारे में पूछती है। लिंडा उनसे कुछ कहने वाली थी, उसी वक्त पुलिस उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उसे एक जगह बांध दिया जाता है। अंदर डॉक्टर और पुलिस डिस्कशन करते हैं। पुलिस उन्हें बताते हैं कि लिंडा के हस्बैंड कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं बुधवार को और हमने अगले दिन उन्हें इन्फॉर्म किया था। पर स्ट्रेंज बात यह थी कि ट्यूसडे को लिंडा बार बार यह कह रही थी कि उसका पति मर चुका है या मरने वाला है। फिर डॉक्टर उसे इंजेक्शन देते हैं ताकि वो सो जाए। अगले दिन लिंडा को होश आता है। तब वो बाथरूम में जाके देखती है तो वहाँ पर जिम शावर ले रहा होता है। उसे देखकर लिंडा खुश होती है। फिर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाती है और देखती है कि ब्रिजिट के चेहरे पर कोई कट्स नहीं है। फिर वो बच्चों को स्कूल छोड़ती है और आकर देखती है कि उसकी गाड़ी में एक मरा हुआ पंछी पड़ा है। घर आने के बाद वो टेलीफोन डायरेक्टरी चेक करती है। तब वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट पेज है जो उसे डस्टबिन मिला था, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तुरंत डॉक्टर रॉथ के पास जाती है और उन्हें सारी चीजें बताती है। वो कहती है कि एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि जिम मर चुका है और जैसे मैं सुबह उठती हूँ वो मेरे सामने खड़ा होता है। उस लिथियम बोतल पर भी आप ही का नाम था। पर रॉथ उसे कहता है कि मैं ऐसी दवाएं प्रिस्क्राइब नहीं करता, आज तुम्हें जो लग रहा है वो अक्सर होता रहता है। पर लिंडा को यकीन नहीं हो रहा था। रॉथ उसे वही लिथियम बोतल देता है। लिंडा वहां से जिम के ऑफिस जाती है और उसे कहती है कि मैं परेशान हूं, हम बच्चियों को लेकर कई बाहर जाते हैं। तब जिम कहता है कि मुझे काफी काम है। उसी वक्त उसकी असिस्टेंट क्लेयर वहां पर आती है जो कि जिम के फ्यूनरल पर भी आई थी। लिंडा घर जाती है, उसकी बच्चियां खुशी से खेल रही थी और खेलते खेलते ब्रिजिट कांच की खिड़की से गिर जाती है और उसके चेहरे पर कांच की वजह से कट्स आते हैं। लिंडा उसे लेकर हॉस्पिटल दौड़ती है। जिम वहां पर आता है और सबको शांत करता है। ब्रिजिट ठीक होती है और उसे घर लाया जाता है। लिंडा उसे हौसला देते हुए सारे आईने ढक देते हुए कहती है कि इस कट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उतनी ही खूबसूरत हो। जिम सारे कांच के टुकड़े साफ कर रहा था, तभी वो लिंडा से कहता है कि यह सब तुम्हारा फॉल्ट है। लिंडा सारी साफ सफाई करती है। तब जिम उसे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहता है। उसकी बातों से हर्ट होकर लिंडा वहां से निकलती है। तभी वो अपनी पॉकेट में वही फटा हुआ कॉन्टैक्ट पेज देखती है और उसे डस्टबिन में डालती है। फिर एक पेन पेपर लेकर अभी तक जितनी भी चीजें हुई उसे लिख देती है ताकि उसे समझ में आए कि क्या हो रहा है। पर वो कंफ्यूज्ड होती है। जैसे ही जिम आता है वो पेपर छुपाती है। लिंडा जिम से कहती है तुम ट्रिप के लिए बाहर मत जाओ। पर जिम को यह सब पसंद नहीं आता। फिर उनका झगड़ा होता है। लिंडा कहती है कि तुम वेंडे बाहर जाने से पहले मुझे उठाना। जिम उसकी बात मान लेता है। सुबह लिंडा देखती है कि जिम वहां पर नहीं है और उसी दौरान उसकी माँ भी वापस आती है। उस दिन तो फ्राइडे होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर उसे क्लेयर के बारे में याद आता है। लिंडा क्लेयर से मिलने उसके घर जाती है। उसे कहती है कि मुझे जिम के बारे में बात करनी है। तब क्लेयर उसे सब कुछ बताती है। उसके बाद लिंडा एनी के घर जाकर उसे कहती है कि जिम मुझे फंसा रहा था, उसका क्लेयर के साथ अफेयर चल रहा है। लिंडा तुरंत बैंक जाकर इंश्योरेंस पेपर्स चेक करती है। इंश्योरेंस एजेंट से मिलने के बाद वो बताता है कि जिम को अपने परिवार की काफी फिक्र है। उसने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी पहले से बचत की है। लिंडा को रियलाइज होता है कि जिम वाकई फैमिली से प्यार करता है। वो वहां से तुरंत कॉफिन मेकर से मिलने जाती है। घर आने के बाद वो अपने बच्चों के लिए केक बनाती है और माँ से कहती है कि मैंने फ्यूनरल के लिए तैयारियां कर दी है। उसकी माँ शॉक होती है। रात को लिंडा जिम का लॉकेट देखकर वाइन पीती है। तब उसकी माँ वहां पर आकर देखती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। लिंडा उसे कहती है कि अगर मैं जिम को मरने के लिए कहूँ तो क्या इसका मतलब उसे मारना होता है। माँ कहती है कि जिम मर चुका है। अगली सुबह जिम और लिंडा एक साथ उठते हैं। लिंडा को लगता है कि उस दिन संडे है, इसलिए वो जिम को कहती है कि तुम बच्चों को लेकर कहीं घुमाने ले जाओ और जिम मान लेता है। लिंडा चर्च जाकर फादर से मिलती है और कहती है कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। तब फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। पर उसे समझ नहीं आता कि वो किसके लिए लड़े। उसी रात लिंडा जिम को काम करते वक्त देखती है और तभी उनके बच्चे वहां पर आते हैं अपने पापा को गुड नाइट कहने के लिए। लिंडा उन्हें कहती है कि तुम एक बार अपने पापा को टाइट हग करो। जिम को थोड़ा वियर्ड लगता है। फिर वो जिम से कहती है कि तुम बच्चों से कहो कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो।
जिम हैरान होता है पर वो बच्चों को तसल्ली देता है और बच्चे सोने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर बाद लिंडा भारी तूफान में बाहर खड़ी होती है और जिम वहाँ पर आता है। लिंडा कहती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तब जिम कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं, घर हैं। तभी बारिश होती है। जिम लिंडा को अंदर जाने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट होता है जिसमें पंछी मर जाता है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। लिंडा जिम को सॉरी कहती है और काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। दूसरे दिन जब उसे होश आता है तो देखती है जिम वहाँ पर नहीं है। वो दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक नोट लिखा था बच्चों को स्कूल से पिकअप करने का। लिंडा तुरंत निकलती है और जिम को कॉल करती है, पर जिम तो इंश्योरेंस कंपनी में था। जिम को क्लेयर का कॉल आता है और क्लेयर उसे कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है। जिम उसे कहता है कि हमें यही रुकना चाहिए। तभी लिंडा उसे देखती है और फॉलो करने लगती है। जिम घर के टेलीफोन पर वॉइसमेल भेजता है कि वो बच्चों से काफी प्यार करता है। उसी वक्त लिंडा का कॉल आता है और वो उसे कहता है आई लव यू। वो कन्फेस करने वाला होता है। तभी लिंडा कहती है कि मुझे क्लेयर के बारे में सब कुछ पता है। जिम कहता है कि हम हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। लिंडा खुश होकर जिम से कहती है कि मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। और तब वो एक्सीडेंट स्पॉट देखती है और जिम को कहती है कि तुम गाड़ी टर्न करो। जिम टर्न करके वापस आ रहा होता है। तभी लिंडा देखती है कि पीछे से ट्रक आ रहा है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, जिम को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए कहती है, पर जिम के गाड़ी का दरवाजा लॉक होता है। वो बाहर नहीं निकल पाता और ट्रक जिम की कार को उड़ा देता है। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि सुबह में लिंडा को नींद से जगाने के लिए उसकी बेटियां कमरे में जाती है और अब तो लिंडा तीसरी बार प्रेग्नेंट है। और यहीं पर होता है कहानी का स्वीट एंड। आपके हिसाब से क्या लिंडा को कोई बीमारी थी? आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।